नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एफएल इंडिया लगातार गिरावट का ये इसमें जो सिलसिला है वो जारी है दोस्तों। लेकिन जो एक पॉजिटिव न्यूज ये है शेयर में, अभी पहली तो दोस्तों इस टाइम ना सपोर्ट बचाया हुआ है, और दूसरा कि कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग खबरें आ रही है दोस्तों। तो ये दोनों में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या एफएल इंडिया में अब निवेश के लिए सबसे अच्छा मौका बन रहा है या डाउनसाइड भी जो अपना सपोर्ट है उसके आसपास दोस्तों। और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो वाकई गिरावट बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है दोस्तों। तो इन सब मैटर में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे क्यों लॉन्ग टर्म के लिए एफएल इंडिया एक बहुत अच्छा शेयर है आज भी। तो दोस्तों, वीडियो के बनाने से पहले प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तुरंत, क्योंकि लाइक करेंगे दोस्तों तो ये वीडियो दूसरों को भी रिकमेंड होगी दोस्तों, इसीलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं सीधा एफएल इंडिया के शेयर के ऊपर। अब देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों लगभग आप मान के चलिए 2% की गिरावट दिख चुकी है। और दोस्तों देखिए, पिछली जो ट्रेडिंग सेशन था यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, वहां हुआ क्या था कि गिरावट मार्केट में उतनी सीवियर नहीं थी, बट जो मिड कैप था ना दोस्तों, मिड कैप और बैंक, इसमें बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सीवियर गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। और ये जो एफएल इंडिया था उसे छूता नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात ये हुई दोस्तों कि एक भयंकर गिरावट के बावजूद आप देखेंगे कि ये अपना जो सपोर्ट था 4000 का दोस्तों, उसे बचाने में कामयाब रहा, और क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे इसने अपने जो अपना जो सपोर्ट है उसे ये बचाने में कामयाब रहा। अब जो 4000 है दोस्तों, ये तोड़ने को राजी नहीं है ये शेयर, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव, इसका बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट जोन है दोस्तों। और यहां से अक्सर दोस्तों बाइंग आती है इस लेवल से, 4000 के लेवल से, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि अगर 4000 का लेवल टूटता है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो 3700 है ना, 3700 वहां तक के भी दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, मैं RSI और ये सब के मॉडल ज्यादा चर्चा करता नहीं दोस्तों, आप मेरे उठा के देखिए वीडियोस, जैसे HUL के ऊपर भी मैंने कहा है, आप मेरा लेटेस्ट भी जो लास्ट वीडियो था मैंने कहा था, मैं एक ब्रॉडर विजन की बात करता हूं दोस्तों। मैंने कहा था कि भाई 2300 का लेवल नीचे रहेगा और ऊपर अगर ये 2500 रुपए तोड़ता है तो आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ तो एक जबर की गिरावट आप देखेंगे कि उछाल रहेगा। और आप देखिए कल जब उसने 2500 तोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो एक जबरदस्त उछाल आपको एक्चुअल में दिखाई दिया दोस्तों। तो मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट या कोई शॉर्ट पोजिशन ट्रेड भी लेते हैं ना, तो आपको लेवल्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और मैं हमेशा बल्क की सलाह कभी नहीं देता दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे ना SIP मोड में लेना चाहिए। और SIP दोस्तों हर दिन वाली नहीं, कोई टेक्निकल लेवल्स है जो आपको मैं हमेशा बताता हूं अपने वीडियोस में, वहां पे आपको एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है, आप तो एक एवरेज करना समझते हैं, और दूसरा कि जब पैनिक गिरावट होती है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया रहता हूं कि शायद अगर ये लेवल टूटता है तो एक जबरदस्त गिरावट हो सकती है, और वो ऐसा होता ही है दोस्तों। मैंने हैवल्स में कहा था कि ये लेवल देखिए, यहां से आपको शायद ऊपर की तरफ दिखाई दे, और आप देखेंगे कि 985 के बाद जो वो भागना शुरू किया है अभी तक रुका नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कि एफएल इंडिया एज ए कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, और इन लेवल्स में जो आपको मिल रही दोस्तों, ये आने वाले समय में आपको पता है शायद ना मिले दोस्तों। और देखिए, और ये जो ASM लिस्ट है ना दोस्तों, ये ASM लिस्ट में आने के बाद इसमें और गिरावट सीवियर होती जा रही है। और दोस्तों जहां तक बात है ASM लिस्ट से निकलने की, तो मेरे ख्याल से सितंबर या नवंबर से इनका शायद शुरू हो रहा है टाइम, वहां से धीरे धीरे बाहर होने का। पहले अब ये स्टेज 4 में, फिर स्टेज 3 जाएंगे ऐसे, तो अभी लंबा प्रोसेस है दोस्तों। और एफएल इंडिया थोड़ा महंगा स्टॉक है, इसीलिए मैं इसमें दोस्तों ट्रेडिंग की सलाह कम देता हूं, क्योंकि आप ऐसे शेयर में खरीद के से बस चुपचाप पकड़ के बैठ जाएं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको मुनाफा देगा, लॉस में तो निकलने की इसने सोचना ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए कैपिटल जब तक आपके पास होल्डिंग के लिए कम से कम 1 से 2 साल के लिए ना हो दोस्तों, बिल्कुल भी इन शेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप की समय की बात हो रही है वो क्या है दोस्तों। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये सिंपली wall.st से लिया गया दोस्तों। देखिए, एक मनीष खुराना जस्ट बॉट अ स्प्रिंकलिंग ऑफ शेयर्स इन एफएल इंडिया लिमिटेड। अब भाई ये मनीष खुराना है कौन, तो आप पाएंगे कि मनीष खुराना कौन है कि भाई उनका लिखना है कि इसमें दैट वेल्स इट्स नॉट मे बी अ ह्यूज डील, वी थॉट इट वाज गुड टू सी दैट मनीष खुराना हु इज अ कंपनी इनसाइडर रिसेंटली बॉट 1 million rupees वर्थ ऑफ स्टॉक। 1 million rupees मतलब दोस्तों 10 लाख रुपए के स्टॉक लगभग, फॉर 4201 पर शेयर, ऑल्दो द परचेस नॉट बिग वन बट आइदर अ परसेंटेज स्टैंडपॉइंट और एब्सोल्यूट वैल्यू इट कैन बी सीन अ गुड साइन। देखिए दोस्तों, जब इंसाइडर ट्रेडिंग होती है ना, यानी मतलब कंपनी को या एम्प्लॉई
या कोई ऐसा मैनेजमेंट का कोई छोटा मोटा आदमी भी अगर एक बड़ी स्टेक उठाता है दोस्तों स्टॉक में, तो उसका ये संकेत होता है कि भाई जो एम्प्लॉय है उनको कंपनी में दोस्तों ये है, उसे कहते हैं ट्रस्ट है, जो एक शेयर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों। और देखिए एफएल इंडिया में तो दोस्तों कुछ भी शक करना करंट सिनेरियो में तो एकदम बेवकूफी होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए इन्होंने जो ये एक्विजिशन किया है ना, आप देखिए इन्होंने जो ये एक्विजिशन किया है, आप देखिए एफएल सेट ज़ैम्प्स प्रोग्रामेटिक मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इज यूज्ड बाय लीडिंग ऐप मार्केटर टू एक्वायर न्यू यूजर्स एंड ऑल्सो ड्राइव रिपीट यूजर ट्रांजैक्शन एक्सिस्टिंग यूजर। जिन्होंने ज़ैम्प प्रोग्राम अपना खरीदा था ना दोस्तों, वो क्या था, इन्हें लैटिन अमेरिका दोस्तों सदर्न जो साउथ अमेरिका यानी ब्राजील और ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सब के एरिया में ज़ैम्प मोबाइल एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा नाम है। और जो देखिए जो एफएल इंडिया है वो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बता दूं, इसीलिए ऐसा इनके बाद ये एक्विजिशन करना, उसके बाद एक अपनी जो फुटप्रिंट है उसे सदर्न अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी ज़ैम्प के एक्विजिशन के बाद आपको यहाँ देखने मिलेगी दोस्तों। दोस्तों देखिए कंपनी अच्छी खासी एग्रेसिव है दोस्तों, ठीक है, उसे पता है कि वो क्या कर रही है, आने वाला समय उसे पता है कि बहुत अच्छा है। और जो गिरावट है दोस्तों ये एक और चीज प्राइवेसी पॉलिसी जो सरकार ने लाई है ना उसके लिए भी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये अभी स्टॉक प्राइस ना सब चीज को कैश इन कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि अमर राजा बैटरी वो जितने नेगेटिव चीज उसको धीरे धीरे दोस्तों डिस्काउंट कर रहा है, और जिस दोस्तों ये सब चीजें हो जाएंगी ना वो शेयर आप देखेंगे भागता रहेगा। दोस्तों देखिए मार्केट में अब ये उम्मीद करना कि जो पिछले साल का रिटर्न मिला है वो अभी फिर मिलेगा, ये दोस्तों बेमानी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह का रिटर्न और जिस तरह का पेस पिछले साल दिखाया गया था वो इस साल ना दिखाया, शायद ना दिखे और वो दिख भी नहीं रहा दोस्तों। लेकिन जिन वैल्यूएशंस में एक से एक स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं दोस्तों, हमें उसे चुपचाप से एक्युमुलेट करना चाहिए, और उन लिस्ट में दोस्तों एफएल इंडिया होता ही है। और मैं बता दूं दोस्तों कि कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार दोस्तों सलाह जरूर लेनी है। लेकिन एफएल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म में हमें सबको होल्ड करना है दोस्तों, और जिस दिन ये एएसएम लिस्ट से निकलेगा दोस्तों, प्लस इसके साथ अभी जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं दोस्तों वो दो तीन है, वो क्या क्या है दोस्तों, देखिए पहला तो है एएसएम लिस्ट से निकलना दोस्तों, इसे एएसएम लिस्ट से निकलना है, प्लस दोस्तों Q2 के रिजल्ट अच्छे आते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा दोस्तों, और प्लस दोस्तों ये जो ज़ैम्प का एक्विजिशन हुआ है ना, ज़ैम्प का उसका जो एक्विजिशन की जो अर्निंग है ये बैलेंस शीट में एक से दो क्वार्टर में आने लगेगी दोस्तों। और एक बार आप वो देख लें कि वो अगर इनके जो बैलेंस शीट वो दिखाने लग जाएगी, आप देखेंगे ये एफएल इंडिया जो आज शायद 4,000 मिल रहा है वो आपको आने वाले समय 8,000 से 9,000 में मिले। और दोस्तों ये शेयर खान ने तो लगभग 6,000 के इन्हें टारगेट ऑलरेडी दिए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों फॉर अ लॉन्ग टर्म इस शेयर में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छा ही रिटर्न कमा के देगा, क्योंकि इसका जो फोटो है वो डिजिटल है दोस्तों, और आप देख रहे होंगे कि दुनिया डिजिटल कितनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है दोस्तों। हाँ कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज और जो कंपनीज जो अपने नए नए जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं दोस्तों डेटा को लेकर के, वो थोड़ा सा इनके लिए कंसर्न है, बट कंपनी वो भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो इसका इलाज है वो निकाल ही लेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था एफएल इंडिया को लेकर के, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।